1, 2, 3 देख रहे हैं जनाब, ये चेक करें। अरे भाई साहब चेक कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, तू था रे छोटा रे जनाब, हमने उतार दिया इसको। हेलो एवरीबॉडी, लव फ्रॉम इंडोनेशिया। इस वक्त आपका भाई पोंचक में मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि आपके भाई को हो गया था पोंचक के साथ प्यार, तो मैंने सोचा क्यों ना पोंचक के अंदर मजीद रुका जाए और इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया जाए। प्यार होने की वजह यह है कि यहाँ का जो वेदर है मुझे बहुत पसंद आया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो अभी इस वक्त मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ जिसका नाम है ग्रीन पीक्स होटल, पोंचक में ये मौजूद है। तो अभी मैं आपको चल के पहले अपना रूम दिखाता हूँ कि रूम किस तरह का है। और रूम से जो व्यू है ना, आपको पता है कि मैं हमेशा रूम वो लेता हूँ जहाँ से मुझे व्यू अच्छा मिलता है। लेकिन ये चेक करें, पहले आँखें देखें, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तबीयत कोई ठीक नहीं है। ये देख रहे हैं कितनी आँखें लाल हुई हैं मेरी। लेकिन चलते हैं तो आपको रूम दिखाते हैं, चल के। ये देख रहे हैं जनाब, ये गैलरी से हम इसी तरह सीधा जा रहे हैं। तो जो हमारा रूम है वो 231 है। ये हमारा रूम आ गया 231। तो इसको कार्ड के साथ ही ओपन करेंगे। ये हो गया ओपन। ये अभी अंधेरा हो गया, लेकिन सीन ये है कि जब हम यहाँ पर कार्ड को रखेंगे, ये कार्ड को रखा तो लाइटें जल गई हैं। ये देख रहे हैं, ये रूम है, ये सामने अलमारी है, इसके अंदर कुछ मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। वो कह रहा था कि दरवाज़ा सही बंद नहीं हुआ, इसीलिए टींटी कर रहा था। ये भी कुछ कपड़े फ्लोर है, ये कुछ कैटल पड़ी हुई हैं। तो सीन ये है कि हम तीन दोस्त रह रहे हैं इस रूम में, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाएगा तो बच जाएंगे। तो मुझे तो मसला नहीं है, सेपरेट बेड है, हमने रात को गुजारना था यहाँ पे। तो ये भाई साहब बेड है, ये सामने टेलीविजन लगा हुआ है। और अभी चलते हैं असली व्यू की तरफ, जिसके ऊपर सारे पैसे लगाता हूँ मैं हमेशा की तरह। ये चेक करें, ओ माय गुडनेस, ये चेक कर रहे हैं, ये स्विमिंग पूल चेक करें जनाब, सामने बंदे बैठे हुए हैं। ये स्विमिंग पूल देख रहे हैं, कितना मज़े का व्यू है। ये सामने अंधेरा हुआ पड़ा है क्योंकि रात का टाइम है। सामने वो ऊपर अगर आपको लाइट्स भी नज़र आ रही है ना, वो पहाड़ों के ऊपर है। सुबह आपको दिखाऊंगा, आपको डेफिनेटली बहुत मज़े का व्यू नज़र आएगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अभी मैं सो जाऊँगा और सुबह इंशाल्लाह उठ के आपको जो अपने सारे एडवेंचर्स करूँगा पोंचक के अंदर, वो आपको दिखाऊँगा कि मैंने क्या क्या किया है। तो बस अभी मुझे सोने दें। तो जनाब आपका भाई अभी उठ चुका है, और अभी मैं पहले सबसे पहले तो आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, आपको बताऊँगा कि किस तरह का व्यू है जो इतने पैसे आपका भाई खर्च करता है। व्यू के ऊपर तो करता है, और व्यू का भी मज़ा ना आए तो गलत बात है। आए व्यू देखते हैं पहले। 1, 2, 3 देख रहे हैं जनाब, ये चेक करें। अरे भाई साहब चेक कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, नीचे देखें स्विमिंग हो रही है। मैं कहता हूँ भाई इसके आगे ना अखीर ही है, इससे के आगे क्या ही हो सकता है। वो देखें सामने, वो देखें माउंटेन्स, ग्रीनरी, साथ स्विमिंग पूल, नीचे पानी उतर रहा है, क्या बात है। अभी यह है कि सुबह उठे, सबसे पहले तो आपको भाई एक्सरसाइज करेगा, सबसे पहले जिम चलते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने कर चलेंगे। तो आ जाए पहले जिम चलते हैं, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करें, और उसके बाद शावर लेकर करेंगे, खाना नाश्ता खाएंगे, और उसके बाद करेंगे जो भी कुछ करना होगा। और मेरे रूम की बैक साइड पर आप देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी, और ये यहाँ पर एक टीम आई हुई है आउटडोर एक्टिविटीज़ को, जो एडवेंचर क्लब्स हैं वो प्रमोट करने के लिए आए हुए हैं। तो हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम निकलते हैं यहाँ से। वो देख लें द ग्रीन पीक होटल। ये जनाब देखें जिम में आ चुके हैं हम, ये चेक कर रहे हैं। ये एक थोड़ा बेसिक सा जिम बना हुआ है, लेकिन ये है कि फ़िटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका भाई कर रहा है एक्सरसाइज, देख रहे हैं। अगर इस तरफ देखेंगे तो वो चेक करें कितना मज़े का व्यू आ रहा है। मैं कहता हूँ यार आपका भाई जो है ना अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। मत देख रहे हैं आप, देख रहे हैं तो जनाब अभी हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकफास्ट में बूफे होगा नीचे, तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। और नीचे चलकर आपको स्विमिंग पूल भी दिखाते हैं कि किस तरह का नज़र आता है नीचे से। सो लेट्स गो एवरीबॉडी। गला में बहुत पेन हो रहा मुझे, लेकिन यह कि ब्रेकफास्ट लाजमी करना, चलते हैं अभी नीचे और आपको चल कर दिखाएंगे कि ब्रेकफास्ट में क्या करता हूँ। ये कार्ड पकड़ लिया मैंने अपना, दरवाज़ा खोला और कर दिया इसको लॉक। आ जाए फिर नीचे चलते हैं ना। अब ये देखें हम नीचे आ गए हैं, ये पूल है, और यहाँ से हम गुजरते हुए अभी जा रहे हैं हम। सामने ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ होटल में ही होगा, तो
तो वो करेंगे जाकर। मैंने रूम भी मंगवा सकता था लेकिन मैंने कहा था कि नीचे चल के आपको दिखाता हूँ सारा। तो ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी जगह ये है जनाब। ये देख सकते हैं ये यहाँ पर बुफे हो रहा है ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये टेबल्स पे देख सकते हैं लोग खाने छाने खा रहे हैं। तब भी आपको दिखाते हैं ये देखें प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी ब्रेकफास्ट है यहाँ पर। स्लाइस वगैरह पड़े हुए हैं उधर। नेल्सन आई एम फीलिंग गुड व्हाट आर यू टेकिंग। ये देखें सनी हाथ के साथ ही उठाई जा रहा है। ठीक है भाई बाकी चीज़ देख रहे हैं आप सारी। मैं भी कुछ लेता हूँ। नेल्सन कैन यू सजेस्ट मी समथिंग व्हाट शुड आई ईट। It's so sweet. It's sweet and delicious. Okay. And we should add. Which one? चलो सही है भाई ये कह रहे हैं तो देख लेते हैं फिर। Can you serve me? No. यार ये ब्रेड के स्लाइस पड़े हुए हैं और अभी मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। तो ये जब परली साइड से निकलेगा तो फिर प्रॉपर तरीके से ये कुक हो जाएगा और उसके ऊपर कुछ चॉकलेट्स या पीनट बटर लगा कर खाऊँगा मैं। ये फ्रूट सेक्शन में देख रहे हैं कितने प्यारे तरीके के साथ फ्रूट्स के साथ इसको सजाया हुआ है। तो यहाँ से कुछ फ्रूट्स भी लेके चलते हैं थोड़ी देर तक और उनको बैठ के खाएँगे। देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ जो दिल करता खाएँ आप। और ये बुफे है इसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई इंडोनेशियन फूड पड़ी हुई है और भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। देख रहे हैं जनाब कितनी मज़े की जगह है ये और खाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चेक करें यहाँ पर बोतल्स हैं और ये यहाँ पर बनाकर सर्व करेंगे। आपको जितना खाना है आप बताएं उतना आपको मिल जाएगा कोई मसला नहीं। यार ये है कि अगर मैंने इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना तो भी कर सकता हूँ और ट्रेडिशनल इंडोनेशियन करना तो भी कर सकता हूँ। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं थोड़ा सा मैंने इंडोनेशियन खाया लेकिन मैं जो है अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो है वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। और थोड़ी सी जो है ना एनर्जी तो आई है साथ मज़ा भी आया। तो जनाब मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट लेकर आ गया हूँ। ये मैंने स्लाइस के ऊपर एक चॉकलेट लगाई है साथ ब्लूबेरी लगाया और साथ स्ट्रॉबेरी लगाया ताकि जो है मैं सारे मज़े ले सकूँ। साथ वेफल पड़ा हुआ है ये कुछ स्वीट्स हैं ये डोनट हैं। इसके अलावा कुछ साथ फ्रेश फ्रूट्स लेकर आया हूँ और अपने लिए दो जूस ले गया हूँ। एक अमरूद का जूस है और ये ऑरेंज जूस है ये जो ऑरेंज कलर का है। अभी बस इसको खाते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी लग रहा है मुझे मज़ा आएगा बहुत खाने का। सबसे पहले मैं ये स्लाइस ही शुरू करूँगा। स्लाइस को पहले खाते हैं। अच्छा लग रहा है यार मुझे काफ़ी बैटरी क्वालिटी बहुत मज़े की है। नाम हमारा जो एक दोस्त है थैरथ से बहुत ज़्यादा खाता है उसको आज कुछ नहीं मिला तो उसके लिए टू थैरथ। क्योंकि अभी हमने अच्छा खासा खाना खाया है और उसको कुछ भी नहीं मिला। वैसे ये जो है ना मेरा फेवरेट पार्ट है इसके ऊपर हनी लगाई हुई है बिल्कुल के ऊपर चॉकलेट क्या बात है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा। सब आपके भाई ने खाना तो लिया है खा और अभी टाइम है मैं मेडिसिन भी खा लूँ क्योंकि बेशक आँख बेहतर हो रही है लेकिन अभी भी रेड है और गले में भी दर्द हो रहा है तो मेडिसिन खाऊँगा तो जल्दी बेहतर हो जाऊँगा। लेकिन ये स्मोकिंग एरिया है और वो ऊपर ये हमारा कमरा था। इसके साथ साथ ये चेक करें नीचे स्विमिंग पूल का व्यू कितना मज़े का है। ऊपर से तो आपने देखा ये नीचे सामने चेक कर रहे हैं। ओए होए होए मैं कहता हूँ इसके बाद क्यामत ही क्यामत भाई साहब ये देखें कितना मज़े का व्यू है। तो जनाब आपको पता है पानी देखते सर प्यार हो जाता है। पानी देख के स्विमिंग पूल देख के अगर आपका भाई उसके अंदर छलांग ना लगाए तो गलत बात है। सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करता है आपका भाई और स्विमिंग भी करता है। तो यहाँ पर भी अपनी रूटीन को बरकरार रखेंगे और आएँ स्विमिंग करते हैं। जनाब हमने उतार दिया इसको। Hi everybody. Hi everybody. Let's go again. One, two, three, four,
5, 6, 7, 8, 9, 10. जनाब आपने देखा है आपके भाई ने सुबह उठ के क्या क्या किया। सबसे पहले आपका भाई जिम गया है, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया है, होटल भी दिखा दिया आपको, और स्विमिंग मैं अभी कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, जो कि गलत बात है करनी चाहिए थी मुझे सुबह उठते सर, लेकिन यह था कि थोड़ा टाइम शॉर्ट था तो मैंने सोचा कि चलो अभी कर लेते हैं। खैर हमने कौन सा ज़्यादा खाया हुआ है ये देख रहे हैं, कितने मज़े की जगह ये। तो जनाब आपके भाई ने स्विमिंग कर ली है, और आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपको दिखाया कि पोंचे के अंदर आपका भाई रुका क्यों है, क्योंकि पोंचे के साथ प्यार है, और मैं रुका था ग्रीन पीक होटल पोंचक में, और होटल भी काफ़ी अच्छा था आपने देखा है, और स्विमिंग पूल का व्यू जो मेरे रूम से आता था वो तो सबसे बेस्ट पार्ट था। बाकी यह अगर जानिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करना है आपने लाइक, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप हैं इंटरेस्टेड मेरी इंडोनेशियन लाइफ में तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किया मेरी वीडियोस कैसे देखेंगे। तो अभी से ही सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और वीडियो को कर दें लाइक, ताकि आप मेरे मजीद आने वाले इंडोनेशियन एडवेंचर्स को देख सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आकू चिंता इंडोनेशिया, आकू चिंता पोंचोक, एंड वन मोर थिंग एवरीबडी, आकू चिंता कामू चांतिक संपे जुम्पा लगी।